एवरीवन, हमारी आज की रेसिपी है राजमा। और ये आपको राजमा दिख रहे हैं यहाँ पे, इन्हें मैंने 6 से 7 घंटे के लिए पानी में भिगोने रख दिया था और अभी ये अच्छे से फ्लफी हो गए हैं। तो हमें क्या करना है, पहले हमें इन्हें बॉईल करना है। तो ये कुकर है, इसमें मैं पानी डालूँगी, ऑलमोस्ट 1 से 2 कप पानी डालना है। और इसमें फिर हमें ये भिगो हुए राजमा डाल रहे हैं, और इसमें हमें अभी सिर्फ नमक डालना है इस पानी में। ये नमक है थोड़ा सा, उसको ऐड करना है और बाकी चीज़ें हम बाद में डालेंगे। तो ये राजमा मैंने कुक करने के लिए रख लिए हैं, इन्हें अभी मैंने 1 सीटी जब इसमें आ जाएगी तो मैं इसको सिम कर दूंगी और इसको कोई 10 से 12 मिनट के लिए हम पकने के लिए रख देंगे स्लो फ्लेम पे, और उसके बाद फिर हम इसका तड़का बनाएंगे। आप देख सकते हैं राजमा बॉईल हो गए हैं, अब हम इनको तड़का लगाएंगे। उसके लिए एक पैन लिया है, इसमें ये ऑयल डालेंगे 1 से 2 चम्मच। अगर आप चाहें तो आप घी भी यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर सिंपली ऑयल यूज कर रही हूँ। और इसको हम गर्म होने देंगे और उसके बाद इसमें हम डालेंगे ये तेज पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, ये सब हम इसमें डाल देंगे और इन्हें अच्छे से थोड़ा सा मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और अब इसमें हम ये डाल देंगे अपना कटा हुआ प्याज, इसको अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं इसमें अभी टमाटर और मसाले मसाले धनिया जीरा हल्दी सब कुछ ऐड कर लिया है, और अब मैं मसाले को पकने के लिए रखी हूँ जब तक इसमें तेल अलग नहीं हो जाता। तो अब ये हमारा टमाटर और प्याज सब मसाला सब कुछ भुन चुका है, तो अब हम इसमें ये बॉईल किए हुए राजमा जो है इनको डाल देंगे इस तरह से, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट के लिए भूनेंगे। 1 मिनट के बाद हमें इसमें ये जो राजमा का पानी है, ये बॉईल किया हुआ था जिसमें राजमा, उसको फेंकना नहीं है, उसी को इसमें हमें ऐड करना है बाद में। तो अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से मिलाने के बाद हम इसको कवर करके लो फ्लेम पे 6 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये 10 मिनट हो गए हैं राजमा को बनते हुए, और आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से मिल गए हैं। तो अगर आप इसे चपाती या पराठा के साथ खा रहे हैं तो उसको आप थोड़ा और ड्राई कर सकते हैं, बट हम उसको राइस के साथ खाने वाले हैं तो हमारे लिए ये ग्रेवी परफेक्ट है। तो मैं यहाँ पर ना ये स्टोव को बंद कर दूंगी और इसको हम गार्निश करेंगे कुछ धनिया पत्ता से इस तरह से। सो हमारी राजमा करी बनकर रेडी है और देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। अब हम इसको खाएंगे राइस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय।